दोस्तों नमस्कार। 2021 की T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया की जो थी, वो उसके जो कप्तान थे वो थे एरन फिंच, और एरन फिंच ने अपने उद्गार कुछ इस तरह से व्यक्त किए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। उन्होंने कहा एक मुकम्मल टीम है, परफेक्ट टीम है ये, और इसमें यशस्वी जायसवाल जो है एक एसेट साबित हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्हें ये पता चला कि टीम मैनेजमेंट जो है उन्हें बाहर बिठाने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा ये एक परफेक्ट खिलाड़ी है, ये बिग गन है, टीम की ताकत है, और रोहित शर्मा के साथ मिलकर ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो है बहुत कहर बरपा सकता है अन्य टीमों पर। उन्होंने कहा क्योंकि उसके बाद विराट कोहली आएंगे और विराट कोहली लंबी पारी खेलने में माहिर हैं, और लंबी पारी के साथ साथ 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना उनकी एक बहुत बड़ी खूबी है। तो इस लिहाज से भारत की बल्लेबाजी काफी स्ट्रांग है, मजबूत है, बजाय कि आप स्लॉग ओवर्स के में तेजी से रन बनाने के को देखते हुए आप यशस्वी को बाहर कर दें तो ये बहुत ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। साथ ही वो ऑस्ट्रेलिया की टीम की भी तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भारत आई थी वनडे के वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और उसमें ये टीम पहले दोनों मुकाबले हार गई थी, और तब भारत ने भी उसे हराया था, साउथ अफ्रीका ने भी हराया था, लेकिन इसके बावजूद लोगों का विश्वास उस पर कायम था कि ये टीम जो है अच्छा कर सकती है, लौटेगी, बाउंस बैक करेगी। यही कुछ चर्चा उन दिनों सबसे ज्यादा हो रही थी, और वही कुछ ऑस्ट्रेलिया ने कर दिखाया। और जब वर्ल्ड कप का फाइनल खत्म हुआ तो उनके हाथ में एक चमचमाती ट्रॉफी दिखाई दे रही थी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की ताकत कितनी बेमिसाल है। लेकिन आप फिर से विषय पर लौटते हैं, और हमारा टॉपिक था यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने विदेशी पिचों पर भी कमाल का प्रदर्शन किया है, चाहे जोहानिसबर्ग हो, लॉडरहिल हो, क्योंकि जोहानिसबर्ग में इन्होंने 34 गेंदों पर 68 रन की बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी, और वहीं लॉडरहिल में इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 51 गेंदों पर 84 रन बनाकर ये नॉट आउट रहे थे। और इनकी जो ताबड़तोड़ इनका अंदाज है शुरुआती और ओवरों में, आज कहिए कि विध्वंसक जो इनका अंदाज है वो कई टीमों पर भारी पड़ सकता है शुरुआती ओवरों में, और पावर प्ले का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो यानी दूसरे शब्दों में ये कहें कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि विराट और रोहित के बजाय आप रोहित और यशस्वी जायसवाल से ही पारी की शुरुआत कराएं, और नंबर तीन पर जो है विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए उतरे, क्योंकि वो लंबी पारी खेलने में माहिर है, तो अच्छा रहेगा टीम के लिए भी और टीम के बड़े स्कोर के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर 180 रन जो है पर्याप्त है अमेरिका में जीत के लिए एक विनिंग स्कोर उन्होंने बताया है। अपनी राय दें, एरन फिंच की बात से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, नमस्कार।